अरे पुराना बोर्ड बदलवाने में मदद की जरूरत पड़े तो शर्माना मत धर्मपाल। अरे यार यारों के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? तो अपनी बहनों को आने दे, इनको आप ही जवाब मिल जाएगा। ना जिद में धर्मपाल का भी कोई मुकाबला ना है। इसकी छोरियां तो जिद में अपने बाप से भी दो कदम आगे हैं। अरे ना, यो बेटी पल्ला संभालेगी कि गल्ला? ओ ना भाई ना, सुशीला रानी की बहन पे कोई खपती नहीं कसेगा। कहीं गुस्सा आ गया तो सुशीला रानी खिंच के झप्पड़ मारेगी, जैसे ब्याह पे अपनी बहन को मारा था। सटाक सटाक। यो कर्म भूमि है हमारी, हाथी बाजार। यहाँ काम करने आते हैं हम, दंगा फसाद करने नहीं। लेकिन मजबूर करोगे ना तो थप्पड़ की आवाज तो तुम्हें पता ही है, सटाक सटाक ना तेरे ही कानों के नीचे सुनाई देगी। रह छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसे भी सड़क। रह छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसे भी सड़क। ओ हट जाता हूं पांचे से, अब छोरियों का देव है क्या हो रहा है हाथी बाजार में? लड़कियां यहाँ काम करेंगी और हम हाथ पहरे बैठे रहेंगे। ठीक कह रहे हो आप, लेकिन करें तो क्या करें? जो भी करना है वो जल्दी करना है, क्योंकि बात बढ़ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आओ। साहब, मैं धर्मपाल, सुशीला के पापा, और ये मेरी धर्मपत्नी कुसुम। हम आपका धन्यवाद करने आए थे कि आपने छोरी को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने घर परिवार में जगह दी। ये किसने कह दिया? हम कुछ समझे नहीं। ज्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं है, इतना आई क्यों नहीं होगा आप लोगों का? जी जी, यू क्यों कह रहे सोनकी साहब? ऐसा क्यों हो गया अचानक? कल तक तो आप उसका स्वागत कर रहे थे और आज इतनी बड़ी बात कह रहे? कौन से स्वागत की बात कर रहे हैं आप? किसने किया स्वागत? कब किया स्वागत? कैसा स्वागत? मेरी छोरी ने गृह प्रवेश की तस्वीरें भेजी मुझे। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। ये लीजिए। ये मिस सुशीला रोहल तो कुछ ज्यादा ही चंच निकली। यही तो मैं चाहता था। ये जो तस्वीरें हैं मेरे पॉइंट को टू द पॉइंट प्रूव करती है। अच्छा, वैसे
want to understand something. एक बात बताइए मुझे, ये आप लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये क्या बेटियों को पैदा होते ही किसी इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा देते हैं? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अच्छे बड़े रईस खानदान के लड़के को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, जैसे आपकी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया ताकि वो हमारे पैसों पर ऐश कर सके। सोलंकी साहब, आप कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं। आपको मैं याद दिला दूं, आप मेरी छुरी के बारे में बात कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए ना भाई साहब, हम समझ सकते हैं इस स्थिति में शादी हुई अचानक आपको बिना बताए आपका ऐसा महसूस करना जायज है, पर हमारी सुशीला ऐसी ना है। अरे वो तो दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है। आपको जरूर कोई गलत रॉयल्टी है, हम रॉयल्टी हमें गलत फहमी नहीं होती है। अरे आप जैसे आम साधारण लोगों को देखते ही हम परख जाते हैं। मैडी अभी बच्चा है, लड़की की बातों में आ गया। आपकी बेटी को इस घर में कदम रखते ही मैं पहचान गया था, समझ गया था मैं भली भांति कि ये बहू बन के सेवा करने नहीं, ये तो यहाँ इन महलों में राज करने के लिए आई है, राज करने के लिए। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। इस घर का एक रुपया भी मैं आपकी बेटी के हाथों में नहीं आने दूंगा। ना, हमारी छोरी का एक रिश्ता ऐसे ही टूट चुका है। देखिए सोलंकी साहब, आप मेरी छुरी को गलत समझ रहे हैं। वो आम लड़की वजह से ना है, मैं मानता हूं वो निडर है, मुफट है, पर इसका ये मतलब ना है कि वो बड़ों की इज्जत ना कर सके या उनका ख्याल ना रख सके। और उसकी नजर आपके पैसों पर ना है सोलंकी साहब, वो तो खुद कमा के खाने वाली है, दूसरों को खिलाने वाली भी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.